अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और वाई एल एन एक्स डी एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर। ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। वैसे ये एक्सरसाइज जिल की बुक का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे स्टूडेंट कि ये कैसे आपने सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन है डी वाई, सबसे पहले आपने लिखा वाई एल एन एक्स डी एक्स वाई डी वाई इज़ इक्वल टू वाई प्लस वन। मतलब मैंने इसके अंदर अभी क्वेश्चन को ही लिखा है वाई प्लस वन का होल स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे उसके मुताबिक आपने बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लिखा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लिखा हमने और यहाँ पे y ln x d x को इधर ही रहने दिया और dy को इधर वाली साइड पे आप ले गए। y प्लस वन का होल स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर और dy। अब हमने ये करना है कि यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास dy की वैल्यूज़ रहें और लेफ्ट वाली साइड पे आपके पास dx की वैल्यूज़ रहें। उसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ आपके पास y की x की एक्स्ट्रा है उसको और यहाँ पे आपके पास जो चीज़ y वाली एक्स्ट्रा है उसको आपने डिवाइड कर देना है। मतलब कि हमने ये लिखा यहाँ पे डिवाइडिंग बाय, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ है x dx का वेरिएबल है ना तो x की होनी चाहिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ है y मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपके पास जो चीज़ एक्स्ट्रा है वो है x की x स्क्वायर, तो इसको 1 ओवर x स्क्वायर, इनको आपने मल्टीप्लाई करके डिवाइडिंग कर देना है ऑन बोथ साइड्स पे। और यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि y ln x dx ओवर y ओवर 1 ओवर x स्क्वायर के साथ आपने यहाँ पे डिवाइड किया और यहाँ पे भी आपने y प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर y मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x स्क्वायर जिसके साथ आपने डिवाइड किया और ये आपके पास असल x स्क्वायर, मतलब ये चीज़ आपके पास ये है और ये आपने डिवाइड मतलब इसके साथ कर दिया इंटू डी वाई। अब आपके पास y के साथ y कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये x स्क्वायर यानी उलट के जो है इस तरह से आ जाएगा एक्स स्क्वायर एल एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये वाला एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके पास ऊपर देखिए मैंने जो स्क्वायर है उसे ओपन कर लिया वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने यहाँ से ओपन कर लिया ओवर वाई इंटू डी वाई। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास मतलब एक्स स्क्वायर एल एन एक्स डी एक्स और यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया अलहदा अलहदा हर वैल्यू को और आपके पास टू वाई ओवर वाई, मतलब यहाँ पे मैंने एलसीएम जो है उसे ओपन कर दिया है और डी वाई आ गया आपके पास। यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर एल एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो गया है तो आपके पास वाई प्लस वन ओवर वाई और ये वाई और वाई भी कैंसिल हो गया प्लस टू इंटू डी वाई। अब आपने लिखा यहाँ पे कि बाई इंटीग्रेशन, हमने यहाँ पे इसी तरीके से इस पर लिखा बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एल एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे भी इंटीग्रेशन से आपके पास यहाँ पे देखिएगा वाई प्लस वन ओवर वाई प्लस टू इंटू डी वाई। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो आपके पास इंटीग्रेशन सिंपल वाली हो जाएगी और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा आपके पास। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अब यहाँ पे आप देखें कि आपने यहाँ पे अब वो वाली चीज़ को आप हमेशा फर्स्ट लेते हैं जो चीज़ आपके पास ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो डेरिवेटिव लेते लेते ये चीज़ आपके पास या बल्कि इसको 1 ओवर x करके हम ख़त्म कर देंगे, इसलिए ये चीज़ मेरे ख्याल से फर्स्ट एलिमेंट क्योंकि ये 1 ओवर x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा वो कटिंग हो जाएगा और ये इसका एलिमेंट सेकंड, ठीक है। तो इसके रूल के मुताबिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मुताबिक फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू इसकी भी इंटीग्रेशन अलहदा अलहदा हमने कर दी y प्लस वन ओवर y
dy प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ y dy, और यहाँ पे देखें कि ln x और x क्यूब ओवर 3 माइनस ये, और ये चीज़ आपके पास यहाँ पे आप देखें कि माइनस यहाँ पे ये चीज़ आपके पास नहीं आनी चाहिए थी, x क्यूब ओवर 3 आया है, मतलब क्यूब नहीं, x नहीं है, 3 है, गलती से लिखा गया था मेरे पास जी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 लिखना था मुझे यहाँ पे, गलती से मैंने x लिख दिया था। अच्छा, तो यहाँ पे आपने उसको इंटीग्रेशन ऐसी है एक्स क्यूब ओवर 3, और ये चीज़ आपके पास आ गई एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर x इंटू डी एक्स, और यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन इसकी आप ले लेंगे वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 ओवर y जो है उसका आ जाएगा एल एन y, और यहाँ पे प्लस 2 और ये 1 की आपके पास y आ गई वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये वैसे बताया हुआ है कि आप इसे और करके स्टूडेंट जो है, मतलब हमने लेफ्ट वाली साइड जो है y जो है वो उसको लेफ्ट वाली साइड पे रखना है, तो इसलिए ln x x क्यूब ओवर 3 माइनस x और ये क्यूब कैंसिल हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर ओवर 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू y स्क्वायर ओवर 2 प्लस ln y प्लस 2y। मैं देखिए इसको यहाँ पे और करके y वाले सारे एक्सप्रेशन को इधर लेकर आ रही हूँ, उसकी वजह ये है कि मुझे x वाली चीज़ को मैंने राइट साइड पे रखना है, इज इक्वल टू एल एन एक्स डॉट एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 3 डी एक्स। देखिए मैंने राइट साइड को इधर ले आई हूँ और लेफ्ट साइड को मैं इधर ले आई हूँ, वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस एल एन वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एल एन एक्स डॉट एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे आ जाता है वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एल एन वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एल एन एक्स डॉट एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स क्यूब ओवर 6 3 3 जन 9 प्लस कॉन्स्टेंट, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। थैंक्स स्टूडेंट।